दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने कभी इस तरह की हरकत न करी है न कर सकते हैं। हमने हमेशा से भाईचारे का पैगाम दिया है, अमन कमेटी चला के लोगों का अमन शांति कायम करने का काम किया है। ये पुराना रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए, उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया है, क्योंकि उस वहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो छत है, वो सिर्फ मेरी ही एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर लोग ऊपर चढ़ सकते थे, और साइडों में जो सामने की तरफ बहुत सारे मकान थे जहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, वो भी वीडियो आपने देखी होंगी। और जितना मैं रोक सकता था मैंने वहाँ अपनी बिल्डिंग से छत पे चढ़ने से लोगों को रोका। सबसे पहले हमारे जो अंदर हमारे वर्कर थे उन सब ने मिल के जो गेट लगा हुआ है उस गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए, और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहाँ से दो तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए, और जितना मुझसे हो चुका वहाँ से वापस उनको नीचे भेजा और ऊपर से भी उतारा। और इसी बीच क्योंकि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी, साइडों में आग लगी हुई थी, मेरी पत्नी ने भी खुद वहाँ पानी लेके बाल्टियों में पाइप लगा के वहाँ साइड में पार्किंग बुझाई। उस तरफ लेफ्ट साइड में भी जो हमारे हिंदू भाइयों के घर थे उन्होंने भी छतों से पानी डाला, जिससे उस आग पे कंट्रोल हुआ था, क्योंकि वो पार्किंग थी, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे। कुछ भी ब्लास्ट होने के बाद हम सब मारे जाते। हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी, और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलके पूरी बिल्डिंग की, पूरी मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंडओवर करके हमें वहाँ से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं और जो ये जो दिखाई जा रही हैं, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहाँ से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। सुबह को सिर्फ वहाँ गाड़ियाँ निकालने गए थे, क्योंकि वो भी जो SHO साहब थाना दयालपुर के थे, उन्होंने वो गाड़ियाँ निकलवाईं, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से आग जहीं चल रही थी तो गाड़ियाँ बहुत जल्दी आग पकड़ती है, वो गाड़ियाँ वहाँ से बाहर निकाली थी। मेरी पत्नी गई थी, जिसने वहाँ से थोड़ा सा कुछ सामान, कपड़े उपड़े थोड़े से लेके आई थी। इसके बाद हमें किसी ने नहीं किया, ये सब पुलिस की मौजूदगी में उनके सामने चेक होके गया, चेक होके आए थे। वहाँ पर पुलिस का कब्जा था, कल शाम 4 बजे तक भी वहाँ, 25 तारीख के 4 बजे तक भी वहाँ पुलिस का कब्जा था। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ से धीरे धीरे कम होती जा रही है, तब भी मैंने लगातार जो है 100 नंबर पर कॉल किया, जो कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो मेरे पास मिस्टर आलोक जी ज्वाइंट CP हैं, उनका नंबर था, उनको फ़ोन करके इतला दी कि सर यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, मैं कल से आपसे कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग के लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है, दोनों तरफ के लोग उसको टारगेट बना कर रखे हैं, यहाँ से पुलिस फोर्स नहीं हटनी चाहिए, अगर पुलिस फोर्स यहाँ से हटती है तो मेरा बिल्डिंग का दोबारा से कोई भी दुरुपयोग हो सकता है, और इसके लिए ये तमाम यहाँ पे जो नुकसान है जिसमें करोड़ों का माल मशीनें लगी हैं वो सब जल जाएगा। दिल्ली पुलिस वहाँ से मौजूद थी और उसके सामने ही वहाँ से निकले। उसके बाद ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो वही बताएंगे, इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर तरह की जांच कराने को तैयार हूँ, जांच में सहयोग देने को तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस जिस तरह का भी सहयोग मुझसे चाहती है मैं करने को तैयार हूँ, और जिस व्यक्ति की अंकित शर्मा, जो कि मैं मीडियम के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी मिली है, पर्सनली मैं नहीं जानता, उसकी मौत से मैं बहुत दुखी हूँ, उसके परिवार को जो सदमा लगा है उसमें मैं शामिल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे जयोगी सहयोग देना होगा, मैं दूंगा।